26 जनवरी के समागम के दौरान एक डिप्टी सीएम के बेहोश होने की खबर सामने आई है। दस दिए कि जदों भवन के 26 जनवरी का समागम चल रहा है तो अचानक ही डिप्टी सीएम बेहोश हो गए और उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल के दाखिल करवाया गया। हालांकि इस दौरान तस्वीर भी सामने आई ने जिस देखा जा सकता है कि जो डिप्टी सीएम ने उन्होंने लोगों के वलों चुकया होया तो कहा जा रहा है कि उन्होंने हस्पताल के दाखिल करवाया गया। दरअसल तुहानू दस दिए कि तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली 26 जनवरी के एक समागम के शिरकत करने के लिए पहुँचे सी पर अचानक ही कहा जा रहा है कि उन्होंने तबीयत बिगड़ जाती है तो वह बेहोश हो जाते हैं। हालांकि बेहोश होने बाद उन्होंने तुरंत हस्पताल के दाखिल करवाया गया। दस दिए कि 2014 तो लैके 2018 तक वह डिप्टी सीएम रहे हैं। हालांकि हुण उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल च दाखिल करवाया गया। तो दस दिए कि तेलंगाना के सबका डिप्टी सीएम महमूद अली की 26 जनवरी के चलते समागम के दौरान कहा जा रहा है कि तबीयत बिगड़ गई जिस तो बाद उन्होंने हस्पताल च दाखिल करवाया गया। पानी लेके आओ।